सो गाइज वेलकम टू इम्प्रूव स्टडी। सो गाइज आज की इस वीडियो में चार अंक का घटाना करने बताने वाला हूँ। सो घटाना करने से पहले आपको काउंटिंग आना चाहिए जो कि आपको आता है। सो पहला सवाल है 7563 में से 2451 को घटाना है। सो इस तरफ का तीन संख्या है और इस तरफ का एक। अब तीन लाइन लेते हैं, एक दो तीन। अब एक लाइन है, एक लाइन इनमें से माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब बच कितना रहा है, एक दो। जो बचा आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है। अब छ है और पाँच है, छ लाइन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ। अब पाँच है, पाँच लाइन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच को आपको काट देना है। बचा कितना, एक। एक को आपको यहाँ पे लिख देना है। सो अब पाँच है और चार है, पाँच लाइन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच। अब कितना है, चार। चार लेते हैं, चार लाइन को काट देते हैं, एक दो तीन चार। बचा कितना, एक। आपको एक लिख देना है। अब सात लाइन लेते हैं और दो लाइन लेते हैं, सात लाइन खींचते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब दो है, दो लाइन को काट देते हैं, ए दो। अब कि जितना लाइन बचा है आपको यहाँ पे लिख देने हैं, लिख देना है। सो एक दो तीन चार पाँच आपको यहाँ पे लिख देना है, पाँच। सो इस तरह से। अब दूसरा सवाल है 7349 में से 6125 को घटाना है। अब 9 है और 5 है, 9 को लेते हैं, 9 लाइन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब 9 को अब 5 लेते हैं, 5 को इसमें से घटा देना है यानी कि काट देना है, एक दो तीन चार पाँच। अब जितना बच रहा है आपको यहाँ पे लिख देना है गिन के, एक दो तीन चार। अब जो चार बचा है आपको यहाँ पे लिख देना है। अब चार है और दो लेते हैं, चार चार लाइन खींचते हैं, एक दो तीन चार। अब दो लाइन को इसमें से काट देते हैं, एक दो। अब जो जितना बच रहा है आपको यहाँ पे लिख देना है। बच कितना रहा, एक लाइन दो लाइन, दो आपको यहाँ पे लिख देना है। सो अब तीन लाइन लेते हैं, एक लाइन को उसमें से काट देते हैं, तीन लाइन लेते हैं, एक दो तीन। अब एक लाइन उनमें से काट देते हैं, एक। बच कितना रहा है, दो, एक दो। अब जो दो बचा है आपको यहाँ पे लिख देना है। सो सात लाइन लेते हैं, अब एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब सात है, छह लाइन में से काट देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ। अब बच कितना रहा है, एक। अब एक जो बचा है आपको यहाँ पे लिख देना है। सो इस तरह से चार अंक का घटाना होता है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।